हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गास रेसिपीज में। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा। तो इस कप के माध्यम से हमने 2 कप साबूदाना लिए थे, जो अच्छे से साफ करके धोकर हमने थोड़े से पानी डालकर भिगो के रखे थे। 2 आलू लिए हैं, अच्छे से बॉईल करके छिलके हटा कर लिए हैं। गीले खोबरे लिए थे तो उसको हमने थोड़े से कद्दूकस करके लिए हैं। थोड़े से सेंगदाने लिए हैं। 3 हरी मिर्च बारीक चॉप करके लिया है। करी लीव्स लिए हैं। 2 चम्मच जीरा लिए हैं। धनिया के पत्ते बारीक चॉप करके लिया है और हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो सबसे पहले हमें सेंगदाने को दरदरे पीस के लेने हैं। सेंगदाने को हमने दरदरे पीस लिए हैं, तो अभी हम इस बाउल में सभी चीजों को मिक्स करके ले लेंगे। सबसे पहले हमें साबूदाना डालना है इसमें। आलू को भी थोड़े से हम बारीक बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। कोकोनट को भी हमने दरदरे पीस लिए थे, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। धनिया के पत्ते ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्च, जीरा, तो करी लीव्स को हम थोड़े से ऐसे तोड़कर डालेंगे। और दरदरे पीसे हुए सेंगदाने को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। हाथ से ही हमें इसे स्मैश आलू को स्मैश करके मिक्स करने हैं। सभी मिश्रण के हमने अच्छे से मिक्स करके ले लिए हैं, तो अभी हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। गोले बनाने से पहले हमें थोड़े से ऑयल लेने हैं ताकि हाथों में चिपके ना। इसी तरह हमें थोड़े से गोल बना के फिर ऐसे हाथों पे प्रेस करेंगे। हल्के हाथों से हमें प्रेस करना है, ज़्यादा जोर नहीं डालना है। तो इसी तरह हमें
गोले बना के ऐसे इसी तरह हम वड़े बना के ले लेंगे। सभी मिश्रण के हमने वड़ा बना के ले लिए हैं, तो अभी हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने ऑयल डालकर चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। तो ऑयल गर्म होने के बाद हमें साबुदाने के वड़े को हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अभी हम ऑयल में वड़े को डाल रहे हैं। पहले हमें अच्छे से ऑयल को गर्म करना है, फिर बाद में थोड़े से धीमे आंच पर, मीडियम आंच पर इसे हमें पका के लेने हैं ताकि अंदर तक पके। कोने कोने से हमें साबुदाना वड़े को छोड़ना है इसमें। हमें साबुदाना वड़े को इतना ज्यादा लाल नहीं करना है। साबुदाना वड़ा को हमने डीप फ्राई करके ऑयल से हटा दिए हैं और इसी प्रकार बाकी के साबुदाना वड़ा को भी हम डीप फ्राई करके ले लेंगे। ये भी रेडी हो चुका है, इसे भी हम ऑयल से हटा देंगे। हमने सभी साबुदाना वड़ा को डीप फ्राई करके ले लिए हैं। ऐसे गोल्डन कलर के कलर में हमें इसे डीप फ्राई करके लेना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो अभी हम खाने के लिए प्लेट रेडी करेंगे। कोकोनट की चटनी और सॉस। खाने के लिए साबुदाना वड़ा रेडी हो चुका है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।